ये है आपका इको थ्रेड वाला ना? नहीं, अच्छा ये इको थ्रेड का, ये पुराना वाला JBT का। आप कितना डाल रहे हो PSI? 35 डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया, रिकमेंडेड है। इसी तरह से ये डिस्प्ले हो गया, और इतना ज़्यादा इसमें से कोई बर्न होकर निकला है। आपको क्या लगता है क्या वजह से हुआ होगा? ओके जी, तो एक और वीडियो की शुरुआत हो गई है, और शुरुआत एक्चुअली बहुत ही मतलब खर्चे के साथ हो रही है। आज होने वाला है हमारा खर्चा, क्योंकि एक ऐसी मिसहैपनिंग हो गई थी अपने साथ। और मिसहैपनिंग क्या मतलब, ठीक है यार, रोड पे गाड़ी चलती है तो चीज़ें बिगड़ती भी हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि हम जा रहे थे एक्सप्रेसवे की तरफ, यमुना एक्सप्रेसवे, और अब बहुत लोगों का दिमाग में आ जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे है तो टायर फटता है, ऐसा होता है। बट ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा 80 और 100 के बीच में चलता हूँ, ताकि एवरेज अच्छी आए और टायर ज़्यादा गर्म ना। और यमुना एक्सप्रेस वे पर तो खासकर ध्यान रखता हूँ, एकदम से ना पीछे वाले टायर से, लेफ्ट साइड से जो पेट्रोल वाला टैंक होता है उसके नीचे, एकदम से ना उसमें मतलब आवाज़ आने लगी। और मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ है, पंक्चर है या फिर टायर दिक्कत कर रहा है। फिर देखा उतर के तो वो काफ़ी टायर ना एकदम कट गया था, और फिर देखा तो टायर एकदम ख़त्म हो चुका था। ख़त्म क्या मतलब कि काफ़ी हद तक ये कंडीशन आप देख रहे हैं, इस हिसाब से हो गया था। अब उसके बाद फिर हमने फिर स्टेपनी वगैरह चेंज करी, और उसके बाद हाईवे पे ही जो भी 1 घंटा लगा हमें, तो वो सब चेंज किया। फिर उसके बाद उसी हमने स्टेपनी वाले टायर पे गाड़ी चलाई, और फिर हम वापस आए। तो कंडीशन नहीं थी, बट वो ठीक है, कोई चीज़ ऐसी घुसी है, क्या हुआ है ये पता करते हैं जाके। हो सकता है कि जो टायर चेंज करने वाले उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो, वो बता दें। बाकी मेरे सारे टायरों में नाइट्रोजन फिल रहती है, इंक्लूडिंग स्टेपनी। तो अब जो भी हुआ है, क्या हुआ है, कुछ चीज़ घुसी है कि क्या हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिल गया, एक गैप बन गया और सारी हवा निकल गई और टायर एकदम। तो अब जो भी है ठीक है, आप भी कमेंट में बताइए क्या वजह हो सकती है। बहुत रेयर होता है ऐसा, जो कंडीशन में देख रहा हूँ ये वाली, मैंने भी शायद पहली बार ही देखी है। तो जाते हैं, देखते हैं कौन सा टायर बेस्ट रहता है, क्या रहता है। और वैसे फ़ोन पर तो मैंने रेट ले लिया है, 4400 के आसपास का रेट आ रहा है, और बाकी जाके देखते हैं कौन सा बेस्ट रहता है, क्या रहता है। और मयूर विहार PS1 जा रहे हैं, ये चिल्ला विलेज के आसपास का है, कोई MRF के एक्चुअली वेबसाइट पर ही एड्रेस शो कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि यार चलो फिर वहीं चला जाता है, क्योंकि एड्रेस जब शो कर रहा है तो वो ऑथराइज है। और बाकी जाके देखते हैं कि उसका क्या सीन है क्या नहीं है। अरे पूरा, फिर उसके बाद हमने तुरंत स्टेपनी चेंज कर दी, इससे नए को लगवा के स्टेपनी रख लो नीचे के आपके। हाँ, आप जैसे आप बता रहे हो ना, ये स्टेपनी अंदर रहेगी? नहीं नहीं, ये ही रहने दो। नहीं नहीं, उसको चेंज करना है, वो छोटा है, सेम है। पर यार ये वाला टायर जो नया लगाओगे ना, वो लगाना मैंने यहाँ पे, मैं कंपनी की स्टेपनी जा रहा हूँ, अंदर ही है, सेम है। नहीं सेम तो है यार, आप थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। नहीं मेहनत की कोई दिक्कत नहीं, न्यू है, क्योंकि वो मैंने फिटिंग कर रखी है, वो आप करोगे ना ज्यादा अच्छी करोगे। तो जी सेम आ गया टायर आपका, ये वाला JBTV का सेम टायर है, ये सेम 15 इंच में ये आपका पुराने वाला होगा, 185/65/15/88 ये कंडीशन है इसकी, ये अंदर की फिटिंग है। बहुत ही बढ़िया, ये है आपका इको थ्रेड वाला ना? नहीं, और अच्छा ये इको थ्रेड का, ये पुराना वाला JBTV का, और सब कुछ सेम है, साइज वाइज सब कुछ सेम है। साइज ये देखो, ये रहा। हाँ, ऐसे इसको भी रखना। 185/65/15 ये सेम सा लग रहा है यार। हाँ थोड़ा सा फर्क है, देखो कॉर्नरिंग का फर्क है ना, ये ठीक है, इको थ्रेड है ना। हाँ ठीक है जी, ये डाल दीजिए। बाकी चेक वेक नहीं करोगे इसको, कहीं से कटपट तो नहीं रहा? अच्छा, ये अपने पुराने वाले की हालत मेरी कुछ, ये देखिए पूरी तरह से ये डिस्ट्रॉय हो गया, और इतना ज़्यादा इसमें से कोई बर्न होकर निकला है। बाकी बस कंडीशन इसकी ऐसी ही हो गई है, और इधर से भी ऐसा ही हो गया था। देखो आपको क्या लगता है क्या वजह से हुआ होगा? ये पंचर चला है, मतलब कुछ घुसा है क्या इसके अंदर? अच्छा पंक्चर पे चला है ये, भैया का कहना है कि पंक्चर पे चला है भैया ये, और इसलिए ये हालत हो गई है इसकी। तो अब ये वाला डाल दें, वीको थ्रेड वाला, चलो इसको भी देख लेते ट्राई करके।
200 रुपए का फर्क है। ये सेम जो टायर था 4400 का था और ये 4600 रुपए का है। भैया डाल रहे हैं, आपका शुभ नाम क्या है? सतीश भैया हमारा ये काम कर रहे हैं भाई, और अभी सब में नाइट्रोजन डिलीवरी हमारी है तो दोबारा से टॉप अप कराएंगे। हाँ तब में नाइट्रोजन डिलीवरी। देखो 8/14 165/80 8/14 85 इसमें 88 85 और 1 इंच कम है, ये इसमें डलेगा। ये किसके लिए है? शिफ्ट, ये शिफ्ट के लिए, वो जो खड़ी होते सामने शिफ्ट उसके लिए। जो हम नाइट्रोजन का काम है, नाइट्रोजन डल रही है इसके अंदर, उसका चेक करेंगे कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही। और यहाँ पे कितना डाल रहे हो PSI? 35 डालते हैं, बहुत बढ़िया रिकमेंडेड है। और अभी हम इस समय खड़े हैं मयूर विहार पे, मयूर विहार फेस वन MRF का है ये टायर का, और ऑथोराइज है ये, ऑथोराइज है पूरा, फ्रेंचाइजी हो रखी है, फ्रेंचाइजी है। और मतलब मेन ईस्ट दिल्ली वालों के लिए तो पूरा यही है। और अभी इसके अंदर डल चुकी है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन भरने के बाद देखो टायर पूरी तरह से रेडी है, बढ़िया एकदम काम हो गया सेट। और ये इको थ्री की JVTV इको सेट 185/65 R1588, तो ये काम हो गया बहुत ही बढ़िया। अभी अपनी गाड़ी, और जो सीन हुआ था वो इस वाले टायर में हुआ था, और ये जो आपकी लगी हुई है स्टेपनी लगी हुई है देखो सेम है 185/65 R1588 ये लगी हुई है आपकी। और अभी चेंज करके वो वाला जो टायर है वो इसमें लगाएंगे, और ये स्टेपनी को एज इट इज़ अब अंदर रख देंगे क्योंकि ये जब गाड़ी आई थी तब की है ये। अभी तो पानी वानी डाल के इसको चेक किया जा रहा है, कहीं बुलबुले तो नहीं आ रहे, कुछ ऐसा पंचर वंचर का सीन तो नहीं है। धीरे धीरे बाकी तीन में भी करा लेंगे कुछ सतीश भैया, जब वो टायर चेंज होने वाले हैं 2017 मॉडल है आपकी गाड़ी। हाँ हाँ सर क्या बात है, ऐसी चेंज होंगे सर। हाँ इसी में करवा लेंगे अगर ये मेरा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ना इसमें। रिटायरमेंट तो हो चुकी है, 4 साल हो गए। हाँ टायर देखो मतलब अपने पूरी तरह से मतलब चल गया, ये बात सही वही भैया ने कि भाई 4 साल में ऑलरेडी चल गया, ऑलरेडी काफ़ी टायर, तो अगर कुछ हो भी गया तो कोई बात नहीं, आपने वसूल तो कर ही लिया पैसा। 4 साल चलने का मतलब टायर की जो रबड़ है ना वो हार्ड। हाँ मर चुका है। ओके जैसे इंसान की लाइफ होती है ना वैसी टायरों की लाइफ, मतलब पूरी वसूल हो चुकी है कहने का मतलब है। ये इस तरह से जैक ऊपर करके टायरों को चेंज करना है। तो ये अपनी बिना व्हील कैप की स्टेपनी, और अभी जाएगी अंदर, और ये जो टायर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये काम बढ़िया हो गया था, बाकी स्टेपनी जो चेंज करी थी हमने उसका बकायदा वीडियो बनाया था यार, पूरा मतलब बड़ो करप्ट हो गई पूरी फाइल। उस दिन जब पहली बार स्टेपनी चेंज कर रहा था ना सतीश भैया, तो मेरे को एक ट्रिक बताओ, पहले मैंने ढीले नहीं करे थे ऐसे चढ़ा के, मैंने भी ऐसे ही मारा था तो ठीक था, या पहले ढीले करने थे टायर? आपको ढीले करने, थोड़े से ढीले कर दूँ उसके बाद उठाऊँ फिर मेन करूँ काम। हाँ अभी ये कंपनी के थे तो आपको खुल गए होंगे आसानी से। अरे ये तो बहुत टाइट थे यार, पैर वैर रख के कूदना पड़ा। तो पहले खुल लोगे ना तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा थोड़ा सा लूज हो जाएगा और फिर ये भी हटाने में आसान हो जाएगा। हमारा तो ये वो है, आपको तो हैवी वाला है, बड़ा वाला है, बड़ा भी है आपके वाले। हाँ ये देखो ये मशीन हमारे को नहीं मिल सकती? क्या रेट आता है इसका? 27,000 की मशीन है ये। अरे बाबा आपको नहीं चेंज कर लेंगे, मेहनत कर लेंगे एक घंटे की। 2 मिनट रुक जाओ बस। ये स्टेपनी बाहर आ गई जी, ये लग गई जी। अच्छा, कितनी देर चल जाती है बैटरी? पूरे दिन चल जाती है तो सही है, पर 27,000 बहुत ज्यादा है हमारे काम, आपके लिए तो ठीक ही है, हमारा काम पूरे दिन पड़ता रहता है। हाँ ये काम हो गया पक्का। ओए देखो एक सेकंड में नीचे आ गए भाई, अपने को इतनी मेहनत करनी पड़ती। ये फाइनल टच करेंगे भैया, इसको अच्छे से टाइट करेंगे। इसमें चढ़ने कूदने की जरूरत तो नहीं पड़ती? ये कई सर्विस सेंटर वालों को देगा वो चढ़ के कूदते हैं, वहम होता है, वहम होता है, सही बात है। नहीं ये नहीं मालूम कि कस्टमर को आगे खुलने में दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी हाईवे पे यार पसीने छूट गए। नाइट्रोजन टॉप अप हो जाएगी और फिर कंडीशन भी पूछ लेंगे भैया से कि ओके है कि नहीं है। नाइट्रोजन डलने के बाद 35 देखो जी, ये हो गई 33, 2 कम थी, 2 PSI कम था। हेलो नहीं अभी नहीं, अभी डलवा रहा। ठीक है
और ये स्टेपनी में जरूर अपना चेक करवा लो नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नए वाले में तो भरा ही था 35, तो उसमें दोबारा से भरा, ऐसा होता है ना। हाँ अभी लगाया तो निकालूंगा। हाँ हाँ तो उसमें एक दो पॉइंट कम हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हो गया टॉपअप वाला काम भी, सब टॉपअप हो गया है इंक्लूडिंग स्टेपनी जी। पेमेंट करते हैं फटाफट। तो जी हो गया काम हमारा, पीछे पेमेंट भी हो गए 4650 की, 4600 का टायर 50 रुपये टॉपअप भी हो गए और अब निकल रहे हैं यहाँ से। गाड़ी अपने कहाँ खड़ी कर भाई, कहाँ चाहो मैं खड़ी करी है भाई, इधर आ जाओ। तो अभी ये खड़ी में देखो, इन्होंने घेर लिया पूरा, अपने को दिक्कत है जाने में। तो ये बिल है जी, इसमें इन्होंने ये 5 साल की वारंटी मेंशन करी है और इसकी 5 साल की है, जिससे पहले वाला मैंने बताया वो 4 साल का था। तो जी चलाने वलाने का एक्सपीरियंस तो ठीक लग रहा है अभी फिलहाल तो, क्योंकि फिटिंग तो ठीक से कर दी है, बाकी वीडियो में देखा ही आपने। और यही रखते हैं फिर वीडियो को, यही था कुछ तो इस वीडियो में यही था। और ये जो मैंने आपको बताया ये सीन हो गया था एक्चुअली हाईवे पे, तो हमने स्टेपनी वगैरह लगाया था, पर आने के बाद से आज तीसरा दिन है जब मुझे टाइम मिला है, और तीसरा नहीं चौथा दिन है बल्कि टाइम मिला है कि मैंने टायर चेंज करवा लिया। ज़रूरी होता है क्योंकि स्टेपनी जो होती है वो कभी कभी 1 इंच छोटी होती है, आपकी जो रिम होता है उसका वो 1 इंच छोटा होता है। तो नेक्सा की जो गाड़ियों में वो अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो उन्होंने स्टेपनी भी दी है वो सेम साइज़ की है, मतलब कि 15 इंच के ही टायर हैं उसमें भी, तो सब बढ़िया था। तो ठीक है फिर ये टायर और चेंज करवा लिया है, और ठीक है फिर एक और किसी वीडियो में आगे मुलाकात करेंगे आपसे। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपने थॉट्स बताइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मोटिवेशन मिलेगा उससे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।